सीओ सदर श्याम दत्त नोटियाल ने पौड़ी का कोतवाली के अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गार्ड सलामी भी दी। उन्होंने कोतवाली में कार्यालय अभिलेख को, पुलिस बैरक, फैमिली क्वार्टर्स और साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान कोतवाली में असलाय सहित आपदा के उपकरणों की जानकारी लेते हुए उनकी हैंडलिंग भी कराई। सीओ नोटियाल ने पुलिस कर्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही पौड़ी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार ने पिस्टल हैंडलिंग में अपने हाथ आजमाए। वहीं सीओ सदन ने कहा कि कोतवाली पौड़ी पुलिस की तैयारी आपदा की हर परिस्थिति से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। इस दौरान पौड़ी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार वरिष्ठ, उप निरीक्षक महेश रावत, उप निरीक्षक सहित कर्मचारी मौजूदगी रही। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। आज पौड़ी थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। सबसे पहले तो बैरिक्स की और थानों की और जो फैमिली क्वार्टर है उसकी साफ सफाई देखी गई है। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारी स्मार्ट बैरिक बनी है और जो हमारे एसएससी मैडम के निर्देश पे और उनके द्वारा जो एक स्मार्ट बैरिक का एक वो रखा गया था, तो बहुत ही अच्छे स्मार्ट बैरिक बनी है और वेल मेंटेन है, बहुत साफ सफाई बहुत अच्छी है। उसमें जो जवान हमारे रह रहे हैं वो भी बहुत खुश है। तो दूसरा जो हमारा फैमिली क्वार्टर्स हैं उसमें भी हमारे जो फैमिली के जो जवान रहते हैं या उनके जो फैमिलीज हैं उन्होंने क्वार्टर्स को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो ये पहला यही हमारा रन मेरा ये राउंड था साफ सफाई का। और जो हमारे टॉयलेट्स हैं और उसमें कुछ काम किया गया है और उसमें सफाई की व्यवस्था ठीक है, लेकिन अब कुछ टॉयलेट्स अब हमारे पास कुछ स्मार्ट टॉयलेट्स बन रहे हैं उसके लिए हमारे पास पैसा आ गया, तो आता है उसका टेंडर भी हो चुका है। तो उसमें और भी बहुत अच्छा इसको बनाने का प्रयास।